मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, अपने साथ ले जाओ। नहीं लेके जा सकता हूँ अभी, घर पे पता नहीं क्या हालात है, माँ का मूड कैसा है, एक दफा देखने दो, सब नॉर्मल है तो फिर आके ले जाऊंगा। प्लीज ऐसे इसरार ना करो, इनकार ना कर पाऊं। आपको पसंद नहीं है ना कि मैं महमल के बारे में आपसे पूछूं? खैर, पसंद तो दिलनशीन को भी नहीं है। जाहिर है, बीवी है तुम्हारी, उसे क्यों अच्छा लगेगा कि उसके शौहर के दिल में कोई और हो? अगर मुझसे कोई गलती हो जाए हाँ, तो गलती किस तरह की? ऐसे ही पूछ। जैसे आपका माजी है, अगर ऐसे ही मेरा माजी हो तो। कोई था शादी से पहले तुम्हारी जिंदगी में? ऐसे इसरार ना करो, इनकार ना कर पाओ। करो ना इनकार, प्लीज। नहीं कर सकता विक्रा, खुदा हाफिज़। हैदर, हैदर। नहीं, मजाक कर रही हूँ, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा जेलिस कर रही थी आपको। मतलब मुनीर की कॉल आ रही है। हाँ बोलो। हैदर, हैदर मुझे बहुत डर लग रहा है। एवरीथिंग विल बी फाइन, क्या हो गया? हैदर तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे। अच्छा सुनो, लिसन, मैं सुबह ऑफिस आता हूँ, फिर इस हवाले से बात करते हैं। बाय। हैदर, पता नहीं जब दिल करता है मुंह उठा के फोन कर देते हैं ऑफिस वाले, बंद ही कर देता हूँ फोन। So anyway, क्या बात हो रही थी? सिर्फ हम दोनों की। हम दोनों एक दूसरे को टीज कर रहे थे। जान निकाल दी थी तुमने ये बात करके मेरी। गॉड, नहीं यार, नहीं, मजाक में भी तो बहुत मुश्किल है ये सब। कैसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई ये सब? मुश्किल है तो क्या करूं? आ
आदत है तुम्हें। क्या हुआ? बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। हंसोगे नहीं तो? मैं नहीं देखता ड्रामे, माँ देखती है। उनके साथ मैंने देखा कुछ प्लेस में, बड़े रोमांटिक सीन्स होते हैं मियाँ बीवी के। सब आई थॉट के ऐसा कहाँ होता होगा, अब रियलाइज किया कि ड्रामे में हकीकत ही दिखाते हैं। मैं आपका फोन लेकर आती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम हुआ होगा। बैटरी का इशू है, सॉफ्टवेयर है या चार्जर फारिग हो गया है। एनीवे सफदर भी कॉल कर रहा होगा, मीटिंग थी उससे। चलो सुनता हूँ। अरे तो नाश्ता नहीं करेंगे क्या? नहीं, ऑफिस में कर लूँगा। सुने एक और बात छोटी सी, वो मैं सोच रही थी कि थोड़ी बहुत सेटिंग कर लूँ, तो उसके लिए मुझे अगर ओ, क्या ये लो। ये इसका मैं क्या करूँगी? जो लेना हो ले लो, बल्कि अगर तुम मुझे सरप्राइज भी करोगी तो अच्छा लगेगा। कुछ भी ले लो, कुछ भी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हैदर तुम मेरे साथ ऐसे कर सकते हो। मैमल यकीन करो मेरा, मेरे फोन की बैटरी नहीं थी, बंद हो गया था फोन मेरा। मैं नहीं मानती। बदल गए हो तो। अंकल अंकल मामा को चुप करवा। जी बेटा। क्या हो गया मेहमल तुम्हें? क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो तुम? चोर हो जाओ अब तो। तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह ना तो आज तुम हमारे पास रहोगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे जो जो तुम भूल गए हो। कुछ भूला नहीं हूं मैं, पुरानी यादों को ताजा करने के लिए उन बातों को दोहराया जाए। मैं ऑफिस जा रहा हूं, कुछ काम है, शाम में चक्कर लगाता हूं।
चीज तो है उसके पास, तो क्या जरूरत है फजूल पैसे खर्चने की। अम्मी जब उसके शौहर को कोई एतराज नहीं है तो हम क्यों खामखा इशू बनाए। मैं दिलनशीन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, अपने शौहर का पैसा वो बेदरेग लौटाएगी, वो भी चीजें उठा लेगी जिसकी जरूरत नहीं है। अब आप माना कि बुशरा कोई रोक टोक नहीं करती, लेकिन वो ये सारी फजूल खर्चियाँ देखकर सोचेंगी नहीं कि ये अपनी तरसी हुई हसरतें पूरी कर रही है। हेलो, हाँ दिल बस आ रही हूँ, दो मिनट। हाँ अच्छा, नजर रखना, फजूल चीजें ना खरीदने देना। ठीक है, देखो। हाँ अल्लाह हाफिज। वैसे सीरियसली दिल, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, हम किसी फूड कोर्ट चलते हैं और दिल भर के खाना खाते हैं। तो भाभी फूड कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है, किसी फाइव स्टार होटल चलते हैं और आज आपकी नंद आपको एक अच्छा सा लंच कराएगी। लो, इतना पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा देखिए, पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि अपने ऊपर पैसे लगाना पैसे बर्बाद करना नहीं होता, ठीक है। और वैसे भी अगर हैदर को ये पता चला कि मैंने आपको फूड कोर्ट में खाना खिलाया तो बहुत नाराज़ होंगे मुझसे, तो इसलिए अब कोई सुनवाई नहीं होगी। भाई आप उसी होटल ले जाइए जहाँ पे हमारा फेवरेट लंच होता है। खाना क्यों नहीं खा रही? तुम्हें देख के शराब पे हो जाओ। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आँखों में थी मेरे आँसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका। अकेले चलते चलते वो साए जैसे ढलते दे तू दिल में जगह मिले मुझको धूप में साया तेरा तेरे बिना ही सुकून जिंदगी में कहीं भीगू जरा है दिल पंजर मेरा। दिलनशीन दिलनशीन मेरी बात सुनो प्लीज, देखो यहाँ पे कोई सीन क्रिएट मत करना। क्या करने वाली हो तुम? दिलनशीन जो कुछ भी करो होश में रह के करना प्लीज। क्या कर रही हो दिलनशीन? तो क्या है तो भाई के रूम में जाना चाहती हो? चलो अस्सलामु अलैकुम।
आप मुझे ये बता सकते हैं कि मिस्टर हैदर सलमान यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, उनका रूम नंबर क्या है? यस श्योर, रूम नंबर 914, मिस्टर एंड मिसेस हैदर सलमान जी। आप कौन? मिसेस हैदर। थैंक यू सो मच। समझ नहीं आप मुझे आखिर क्यों लेकर जा रही हैं? बस करो दिनेश, जो देख लिया ना काफी। मर्द अगर बदलिहाज हो जाए तो बीवी को खातिर में नहीं लाता। मेरा दिल चाह रहा है कि अभी ऊपर जाऊं, उसको सामने अपने बुलाऊं और खरी खरी सुनाऊं। अच्छा बस, अब इस बात को मजीद आगे मत बढ़ाओ, घर चलो। चलो मेहमान, मुझे चलना चाहिए। थैंक यू हैदर, तुमने सच में मेरे लिए बहुत कुछ किया है। महमल, मैं सोच रहा हूँ ये मुस्तकिल हल नहीं है। दो ही सूरतों में ये मामला हल हो सकता है, या तो माँ तुम्हें घर ले जाने पर राजी हो जाए, या तुम उन सब के साथ जाने के लिए राजी हो जाओ, या तुम मेरे लिए राजी हो जाओ। मुझे मत डालो आजमाइश में प्लीज। बेवफा तो मैं थी, तुम भी हो गए। आगे बढ़ गया हूं मैं। मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। बीवी है वो मेरी, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूं। थी इतने सालों तो मत बनो। हकीकत का सामना करना सीखो। ओके बेटा, बाय बाय। अंकल हम आपके घर कब आएंगे? अब जाएंगे अपने घर बहुत जल्दी। ओके क्या कर रही हो बेटा, कहीं जा रही हो? अम्मा के घर जा रही, मुझे नहीं रहना यहाँ। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो बेटा, क्या हुआ है मुझे तो बताओ। इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं जाते। क्या करूं इस घर का, जब मेरे शौहर के दिल में ही मेरे लिए जगह नहीं। बीवी वही जो पिया मन भाए, लेकिन हैदर के दिल में तो सिर्फ महमल है,
वो मुझे कभी अपने दिल में जगह नहीं देंगे। कुछ कहा है हैदर? क्या कहे, बहुत से वादे किए थे कल, बस आज उनको टूटते हुए और झूठा होते हुए देख के आ रहे। आप जानती हैं, कैमर अपने घर गई ही नहीं, हैदर ने उन्हें किसी होटल में स्टे करवाया हुआ है और वो ऑफिस भी नहीं गए थे, वो सारा दिन मेहमिल के साथ थे। तुम मत जाओ, मैं उससे बात करूंगी, कान खींचूंगी उसके। क्या होगा आपके कान खींचने से? उनका दिल मेरी तरफ खिंच जाएगा या मेहमिल की तरफ से हट जाएगा? मेहमिल के प्यार ने उनके दिल को अपने हिसार में लिया हुआ है, हैदर उस हिसार से निकलना ही नहीं चाहते। प्लीज प्लीज मुझे मत रोके, मुझे जाने दे। बाबरा कि मेरा सामान गाड़ी में रखिए। सुनो, तुम तो मैदान छोड़कर जा सकते हो, लेकिन मेरा तो बेटा है वो, मैं उसे इस दलदल में नहीं फंसने दूंगी। बताओ किस होटल में? अम्मी आप नानू आ गई। नानू आप हमें घर लेके जाएंगी? नहीं बेटा, मैं आपको घर नहीं लेके जाऊंगी, मामा आपको घर लेके जाएंगे, पापा के घर। मामा घर चले? जी बेटा, हम जाएंगे, अभी आप खेलो, चलो घर घर। माएं तो अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, तुम कैसी माँ हो, अपनी बेटी को बाप की शफकत से महरूम रखना चाहती हो? मोहब्बत ना सही, अगर शफकत ही मिल जाती तो मैं चली जाती। खाली छत के लिए मैं नहीं जाना चाहती था। यमी ठीक है, तुम खुद मुख्तार हो, यह तुम्हारा डिसीजन है। शौहर के घर वापस नहीं जाना चाहती, ना जाओ, लेकिन खबरदार जो मेरे बेटे की जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश की। आपको होटल का किसने बताया? जिन माओं के बेटे अपनी आंखें प्यार में बंद कर लेते हैं ना, उनकी माओं को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती है। हैदर तो जज्बाती है, तुम्हारी बेवफाई को भूल गया, लेकिन मैं कुछ नहीं भूली, सब कुछ याद है मुझे। कितना रुलाया था तुमने मेरे बेटे को, अब उसकी जिंदगी में दोबारा आके
वही सब दोहराने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? नहीं दे रहा। सलामुल साहब। वालेकुम सलाम। भाभी कहाँ है? जी वो तो अभी तक नहीं आई है। माँ भी नहीं दिखाई दे रही? जी बेगम साहब भी घर पे नहीं है, कहीं गई हुई है बाहर। ठीक है, आए तो बता देना, मैं ऊपर रूम में। जी जी। उठाओ हैदर। जज्बाती है, तुम्हारी बेवफाई को भूल गया, लेकिन मैं कुछ नहीं भूली, सब कुछ याद है मुझे। कितना रुलाया था तुमने मेरे बेटे को। मैमल मत करो ऐसा मेरे से, मत करो मैमल। ये देखो, सिर्फ तुम्हारे दूर जाने का सोच के कैसे रोंगटे खड़े हो गए। करो मैं, अब उसकी जिंदगी में दोबारा आके वही सब दोहराने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? हैदर कहाँ है? बेगम साहब अपने कमरे में है, उन्होंने पूछा भी था आपका। बेवफा तो मैं थी, भी हो गए, आगे बढ़ गया हूं मैं। मुझसे ज्यादा खूबसूरत है वो। बीवी है वो मेरी, और मैं तुम्हारी मोहब्बत हूं। थी। इतने जालिम तो मत बनो।
क्या परेशानी है जिसे धुएं में उड़ा रहे हो? एक्चुअली ऑफिस के कुछ इश्यूज वगैरह थे, उसकी वजह से थोड़ा सा। तो ऑफिस के इश्यूज सॉल्व करने में तो सारा दिन ही लग गया होगा ऑफिस। जी। बचपन में सिखाया सबक भूल गए उसकी खातिर? झूठ बोल रहे हो माँ से? क्या हो गया माँ? आप इतना गुस्सा कर रही हैं, मैं समझा नहीं। यही तो मसला है कि तुम कुछ समझ नहीं रहे हो। सारा दिन उसके साथ होटल के कमरे में गुजार के और कह रहे हो कि तुम ऑफिस के इश्यूज सॉर्ट आउट कर रहे थे। हो गया ऑफिस का काम? सुलझ गए सारे मसले या अभी और कुछ बाकी हैं जिन्हें सुलझाने के लिए रोज तुम्हें वहां जाना पड़ेगा? ऐसा करो, अपना ऑफिस वहीं शिफ्ट कर लो ताकि प्यार और काम साथ साथ चलता रहे। गॉड सेक मां, आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद करना चाह रहा हूँ। क्यों, तुम कोई खुदाई फौजदार हो या उसका ठेका लिया हुआ है? या फिर यूं कहूं कि बंद कमरों में खुले फैसले हो रहे हैं तुम दोनों के दरमियान? वाकई हमले मां, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? जिसकी बहू अपने शौहर के साबिका अफेयर की वजह से घर छोड़कर चली गई हो, वो कैसे पॉजिटिव हो सकती है? मां, दिलनशीन को कैसे पता कि मेमल कहाँ है? और दिलनशीन ने तुम दोनों को खुद होटल में कमरे में जाते हुए देखा है। रोती हुई गई है यहाँ से, क्या सोचेंगे उसके घर वाले हमारे बारे में? क्या राय कायम करेंगे कि हमारी बेटी को ब्याह के तो ले गए लेकिन बसा नहीं सके? हाँ, क्या कह रही है वो? क्यों आ गई है घर छोड़ के? अम्मी, हैदर भाई अपने किसी कजन के साथ इन्वॉल्व। आज दिलनशी अपनी आंखों से उन दोनों को होटल में देख कर आई है। तो क्या हुआ? हैदर भाई प्यार नहीं करते हैं दिल से, वो सिर्फ जिम्मेदारी समझ के इस रिश्ते को निभा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि वो दिलनशीन को अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है और निभा भी रहा है। ऐसे मर्द बहुत नायाब हैं आज के दौर में। औरत को अपनी जिम्मेदारी समझे, तुम्हारे नसीब में ऐसा निभाने वाला शौहर आया, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। मेरा शौहर किसी और को चाहता है और आप चाहती हैं कि मैं शुक्र अदा करूं? हाँ, क्योंकि रब शुक्र अदा करने वालों को और भी नवाजता है। क्या पता कल को वो अपनी जिम्मेदारी प्यार से निभाने लगे। ऐसा नहीं हो सकता, हैदर ने अपनी जवानी महमल के प्यार के रोग में गुजार दी है। और तुम वो लड़की हो जिसने ऐसे शख्स के दिल में किसी और को अपनाने की सोच जगाई है, इसमें तो और भी खुश होने की बात है। लड़की का शौहर किसी और को चाहे, फिर भी लड़की अपना घर बसाए, उसका शौहर किसी और के पास से लौटकर उसके पास आए, तो लड़की को खुश होना चाहिए। हाँ, ये कहाँ का इंसाफ है अम्मी? यही दुनिया का दस्तूर है जिस पर चलना औरत की मजबूरी है, क्योंकि औरत में ना दुनिया से लड़ने की हिम्मत होती है ना ही दस्तूर को बदलने की। एक दो दिन रुको, उसके बाद अपने घर वापस जाओ। इसे समझा दो, लड़कियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती। अम्मी इतनी सख्त क्यों है भाभी? अम्मी तुम्हारे भले के लिए कह रही है दिलनशी। बेटियों के बुरे में ही भला क्यों नजर आता है माँ को?
यावर, मेरे ख्याल से आपको हैदर भाई से बात करनी चाहिए। से बात करने से पहले मुझे दिलनशी से बात करनी है। दिलनशी से क्या बात करेंगे आप? यावर, फोन दो मुझे। मैंने कहा फोन दो मुझे। फोन नहीं है मेरे पास। झूठ मत बोलना दिलनशी मुझसे। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भाई? अगर फोन नहीं है तुम्हारे पास तो रापता कैसे हुआ हमजा से? आपसे किसने कहा है कि मेरा रापता हुआ है हमजा से? तुम अपने शौहर का घर छोड़कर आई हो तो वजह जरूर हमजा ही होगा। क्यों ऐसी वजह ढूंढ रहे हैं जिस वजह का कोई वजूद ही नहीं? वजह वही है, तुमने हैदर को दिल से कबूल किया ही नहीं, तभी जरा सी बात पर बहाना बनाकर तुम यहां चली आई। जरा सी बात? मर्दों के लिए ये बड़ी बात नहीं है। जिस बात पर मर्द औरतों की जान ले लेते हैं इज्जत के नाम पर, मर्दों के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं। अपने दिमाग से ये सारी खराफात निकाल दो तो घर बसाने में आसानी होगी तुम्हें। बेटा, अपने घर को बचाना और मेरे बेटे की जिंदगी को बचाना अब तुम्हारे हाथ है। दिलनशीन, बेटा अपनी जगह छोड़ने की गलती कभी मत करना। जरा देर नहीं लगती किसी को तुम्हारी जगह हथियाने में। रूठने की इजाजत है तुम्हें, पर रूठ कर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे पाबंद करने के साथ साथ आपको खुद भी मेरा पाबंद होना पड़ेगा। अरे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है आप आ गई। बाकी सारा खाना तो मैंने तैयार कर लिया है, बस मुझे ये बता दें कि हैदर को मीठे में क्या पसंद है। शाही टुकड़े।